बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। आज हम क्लास सेवन्थ का मैथ के लेक्चर यूनिट नंबर सिक्स के लेक्चर स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर सिक्स हमारे पास है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। इसमें हम सबसे पहले रेशियो को डिफाइन करेंगे कि रेशियो होता क्या है। हम सिक्स क्लास में इसको बहुत डिटेल में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। रेशियो इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू रिलेशन बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज विद द सेम यूनिट। के रेशियो जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज का ऐसा रिलेशन है जो दो सेम यूनिट्स हों। अब इसमें हम सबसे पहले कंटिन्यूड रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो रेशियो हैं, ए रेशियो बी एंड बी रेशियो सी। ये थ्री क्वांटिटीज हमारे पास गिवन है, ए बी और सी। अगर हम इसको लिख दें ए रेशियो बी रेशियो सी, देन दिस इज कॉल्ड द कंटिन्यूड रेशियो। इसको लिखने का मेथड ये है, ए रेशियो बी जो वैल्यू जो रेशियो जो है वो हमें टू टाइम्स गिवन होगी। लाइक इसमें हमारे पास ए रेशियो बी है और ये बी रेशियो सी है, ये दोनों में बी कॉमन है। जो रेशियो हमारे पास टू टाइम्स होगी उसको हम हमेशा सेंटर में लिखेंगे। ये आ जाएगा यहाँ पे बी रेशियो सी। अब इसको लिखने का मेथड क्या है, ए को हम बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा ए बी, बी दोनों, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए रेशियो आ जाएगी, बी और बी से करेंगे तो बी आ जाएगा, और बी और सी को करेंगे तो हमारे पास सी आ जाएगी। ये हो जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी, दिस इज कॉल्ड द कंटिन्यूड रेशियो। इसको इनको कंटिन्यूड रेशियो क्वेश्चंस को करने के लिए हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी रेशियो हमारे पास टू टाइम्स गिवन होगी, चाहे वो सी हो चाहे वो ए हो कोई भी हो, तो उसको हम हमेशा सेंटर में रखेंगे, और थर्ड जो बाकी जो फर्स्ट और सेकंड वाली हैं उनको हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब हम अपनी एक्सरसाइज 7.6.1 जो है वो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए रेशियो बी इज इक्वल टू द 3:5, कि ए रेशियो बी इज इक्वल टू द 3:5 एंड बी रेशियो सी इज इक्वल टू द 5:6, देन फाइंड द ए रेशियो बी रेशियो सी। कि अगर ए रेशियो बी हमारे पास 3:5 हो और बी रेशियो सी जो है वो 5:6 हो। ये हमने पहले भी किया था कि ये प्रोपोर्शन इक्वेलिटी है। हमारे पास अगर ए रेशियो बी हो और यहाँ पे हो 3:5, तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो फर्स्ट रेशियो की होगी ए की, और सेकंड वैल्यू जो है वो सेकंड रेशियो की होगी। यहाँ पे अगर हम अब इसको लिखें, इसको लिखने का मेथड हमारे पास यही होगा, अब बी कॉमन है दोनों में तो हम इसको लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी। पहले ए बी की वैल्यू लिख देंगे, ए बी की वैल्यू हमारे पास है 3:5, और बी और सी की वैल्यू क्या है 5:6। नेगनो 5 3s, ये एरो साइन नहीं है आपने मार्क करना, 5 3s 15, 5 5s 25 एंड 6 5s 30। अब अगर ये हमारे पास लोएस्ट फॉर्म में हो तो हम इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे, बट अभी लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, हम इसको नेक्स्ट सॉल्व कर देंगे। 5 3s 15, 5 5s 55 एंड 5 6s 30। नाउ ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू द 3:5:6। ए रेशियो बी रेशियो सी हमारे पास ये आ गया है 3:5:6। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ एक्स रेशियो जी, एक्स रेशियो जी हमारे पास है 3:5
नेक्स्ट है y रेशो z इज इक्वल टू 1:2, देन फाइंड द x रेशो y रेशो z. हमने अब देखे इसमें कॉमन जो है वो हमारे पास है z, x रेशो z एंड y रेशो z. z जो है हमारे पास 2 टाइम्स है. मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो वैल्यू जो रेशियो हमारे पास 2 टाइम्स हो वो हमेशा हमारी मिडल वैल्यू होगी, उसको हम सेंटर में लिखेंगे. अब इसको लिखने का मेथड क्या आएगा, z सेंटर में आ जाएगा x रेशो z रेशो y. x रेशो z हमारे पास है 3:2, यहाँ पे है y रेशो z, y रेशो z की वैल्यू है 1:2. अगर हम z रेशो y कर देंगे तो 2 z की वैल्यू है तो ये बन जाएगा हमारे पास 2:1. तो y z की वैल्यू है 2, y की आ जाएगी 1. सेम मेथड, 3 2s are 6, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2. इसको नेक्स्ट सॉल्व कर देंगे 3 2 and 1. अब रेशो हमें चाहिए x रेशो y रेशो z. यहाँ पे हमारे पास है x रेशो z रेशो y. हम इसको अरेंज करके लिख देंगे, x की वैल्यू है 3, रेशो y की वैल्यू है 1 और z की वैल्यू है रेशो 2. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, अब इसकी स्टेटमेंट्स है. पहले हमने सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अब हम इसकी स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे. स्टेटमेंट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है. इन मैथ्स टेस्ट जारा मोना एंड कोमल 3 फ्रेंड्स हैं ये, गॉट मार्क्स इन द रेशियो एज द गिवन जारा टू मोना. इट्स मीन जारा रेशियो मोना इज इक्वल टू 4:5. नेक्स्ट है मोना रेशो कोमल, ये हमारे पास है 4:3. सेम वही मेथड, हमने इन तीनों की रेशो फाइंड करनी है. वही जो 2 टाइम्स होगा उसको वो हमारी मिडल वैल्यू होगी. ज़ारा रेशो मोना रेशो कोमल 4:5 और इधर यहाँ पे क्या आ जाएगा 4:3. 4 4s are 16, 4 5s are 20 एंड 5 3s are 15. अभी नेक्स्ट जो है वो सॉल्व नहीं हो सकता, तो हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगी, ज़ारा रेशो मोना रेशो कोमल इज इक्वल टू 16:20:15. ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.1. नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे. अल्लाह हाफिज़.